जाएगी कानून व्यवस्था को लेकर, आगामी त्योहारों को लेकर बड़ी बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होनी है। और ऐसे में आपको बता दें कि अब अधिकारियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। डीजीपी समेत तमाम अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। एडीजी, सीनियर आईएएस अफसर मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। बस सबसे कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री आवास में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी बैठक होनी है, क्योंकि देखिए तमाम त्यौहार हैं, दिवाली है, उसके बाद छठ है, और तमाम त्यौहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत रहे उसको लेकर ये बैठक चल रही है। कफील मेरे साथ मौजूद है इस खबर पर। कफील, क्या अपडेट है इस बड़ी बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए कानून व्यवस्था और आगामी त्योहार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें डीजीपी, डीजी स्पेशल, तमाम प्रमुख सचिव, एसीएस मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने आवास पहुंचेंगे और ये मीटिंग शुरू होगी। जो तमाम जिलों के कप्तान हैं, कमिश्नर हैं, नगर आयुक्त हैं, डीएम हैं, उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जुड़ेंगे और आगामी त्योहार की तैयारियों का तमाम उनसे जायजा लेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। फिलहाल अब से कुछ देर के बाद ये बैठक शुरू होगी। जिस तरह से आगामी त्योहार है, दिवाली है, भैया दूज है, गोवर्धन पूजा है, इन तमाम त्योहारों को लेकर साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और तमाम चीजों को लेकर जो जुलूस निकलते हैं, उन सब को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। खुद जो डीजी हैं, डीजीपी हैं विजय कुमार, वो अंदर इस वक्त मौजूद हैं और मुख्यमंत्री कुछ देर में ये बैठक शुरू करेंगे। फिलहाल तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जो तमाम जिलों के कप्तान हैं, कमिश्नर हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ देर के बाद जुड़ेंगे और उनसे उनकी व्यवस्थाओं का मुख्यमंत्री ब्यौरा मांगेंगे। धन्यवाद कफील आपका, आपने जानकारी दी। तो अब से कुछ ही देर बाद कानून व्यवस्था के मद्देनजर बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर।